लक्ष्मणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश जी जोशी हमारे साथ हैं। जोशी जी, आप खुद यहां पर टिकट के दावेदार थे और पीछे आपने काफ़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी पिछले चुनाव में किया था, उसके बावजूद पार्टी ने आपको टिकट दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मेरा पार्ट अब की बार चुनाव लड़ने का मूड भी था, मूड थोड़ा कम था। अच्छा, मेरा मूड कम था। मैं ये चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ मैंने मजबूत किया भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ कोई ऐसा आदमी चुनाव लड़ ले जिसके चुनाव लड़ते ही गोविंद डोटासरा सीधा ही हार जाए, मैं उसके साथ रहूँ, ये मेरा पहले से ये था। आपके हमने कई बयान भी सुने थे, आपने आप जो आरएसएस को बिल में बांटने वाले जो डोटासरा जी का बयान था, उससे आप बहुत ज़्यादा आहत थे। देखो, गोविंद जी की भाषा बोली है 5 साल में, बहुत बहुत अड़की भाषा को प्रयोग करे हैं। वे गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ हर क्यों बोले हैं, वे राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ हर क्यों बोले हैं, और वे अपने आरएसएस के खिलाफ हर कुछ बोले हैं। मैं 17 और मारे जो चीज़ हट हुई, बस दो चीज़ें हट हुई, एक तो आकी जी की भाषा मारे नेता के खिलाफ बोले आज की, और दूसरी जो मारो पंचायत समिति को चुनाव ही उन्हें भी, मैं गोविंद जी बदमाशी करी, गोविंद जी बहुत बदमाशी करी, बदमाशी से मारे एक आदमी ने रातों रात सस्पेंड करवा कर भी को वोट ने चके गिनती को नहीं आबादी, पंचायत समिति बनेडी ने खोती, इसलिए भी दिन में निर्णय करो हो, और बी के बाद में जो आरएसएस के खिलाफ बोलिया, हमारा नेता के खिलाफ बोलिया, जना मेरो निर्णय होगा पार्टी टिकट देवे तो चुनाव लड़सिया, नहीं टिकट देसी और पार्टी और कोई टिकट देसी तो बाकी सा करे सा, मैं सुभाष मेरे के साथ हूँ। सुभाष जी के साथ लाग रहे हो? मैं सुभाष जी के साथ हूँ। तो वो थे और भी जगह जखन टिकट नहीं मिली और कोई बागी वरिया भी कोई संदेश दो जहाँ थे टिकट छोड़िए त्याग करियो? देखो साहब, मैं तो सह ना ही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने आपा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, तो जत्ता भी बाकी है, जत्ता लोग पार्टी खिलाफ चुनाव लड़े हैं, बस मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि थे पार्टी लाइन में आ जाओ, बाकी बनकर आपा पार्टी को नुकसान नहीं होगा। दिनेश जी थे इतना गाँव में घूमो था, वो नेटवर्क भी बहुत तकड़ो है, तो गाँव का लोग मतलब आके तो विकास कार्य की बातें करे है, वे कहे मैं 18 करोड़ रुपया लगा दिया, बी के बावजूद लोगों के मैंने गुस्सो का ही बात को है डोडासरा जी ने लेर। देखो साहब, गाँव गए एक एक दो आदमी छोड़ दिया, मतलब गांव गैल बैठ के दो आदमी छोड़ दिया, जिसका गांव हड़ा को गाँवड़ा का ठेकेदार बढ़ गया, एक तो ही बात को गुस्सा है। दूसरों गांव जो शासन करे 5 साल में अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर मान लियो या गांव गैल कर मान लियो, या सरपंच है दलित समुदाय का मां खिलाफ जांचा करवाई है, पी के अलावा भ्रष्टाचार बहुत या आके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तीन बातें ले लोगों में गुस्सा है, तो काम तो सही करवाओ, सीट पर बैठे जगह राजधर्म हो काम करवाओ, लेकिन काम कराना बड़ी बात को नहीं, एक तो आपकी जबान से खूब बोले हैं, एक भ्रष्टाचार खूब फैलाए है, एक जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ अत्याचार करे है, और एक जगह सरपंच भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का बाकी सागे बाकी जांचा करवाई दलित समुदाय का सागे सही ढंग से फेस को नहीं आया, बहुत ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा है आपके खिलाफ, गोविंद जी के खिलाफ। तो आप थे दिनेश जी जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और आपने बताया कि किस तरह से लक्ष्मणगढ़ के निवासी डोडासरा जी से त्रस्त थे और अब जनता बदलाव चाहती है। धन्यवाद।